दोस्तों नमस्कार। अभी मार्केट में बहुत ही अच्छी गोभी अवेलेबल है, तो आज मैं बनाऊंगी गोभी की चटपटी सब्ज़ी, जिसको बनाने के लिए हमने एकदम फ्रेश गोभी ली है। इसे हम अपने स्टाइल में चॉप करेंगे। आप चॉप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि एकदम अच्छी गोभी है, इसमें एक भी कीड़ा नहीं है, इसलिए हम इसको रफली चॉप कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। अब प्याज को कट करेंगे, तो इसके लिए हमने दो प्याज लिया है। इसे हम कुछ इस तरीके से चॉप करेंगे। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून सरसों का तेल गरम करेंगे। जब तेल गरम हो जाएगा तो इसमें हम हींग डालेंगे, 4 चुटकी हींग डालेंगे और 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। अब जीरा को चटकने देंगे। अब जीरा लाल हो गया है, इसमें हम प्याज को डालेंगे और मिर्च हमने इसमें 2 पीस ली है। इसे भी चॉप कर लिया है। अब इसे गुलाबी होने देंगे। देखिए तेल में प्याज डूबा हुआ है, इसे हल्का सा घुमा लेंगे और गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। इस सब्जी के लिए हमने 2 पीस आलू काटा हुआ है कुछ इस तरीके से, एक बराबर साइज़ में। इसे भी हम प्याज के साथ हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें मटर डालेंगे। तो यहाँ हमने सफल की मटर ली है, इस मटर को हम डालेंगे। मटर यहाँ हमने 1/2 कप लिया हुआ है। और अब हम इसमें गोभी डालेंगे। गोभी भी हमने वॉश कर ली है। इस धुले हुए गोभी को हम आलू में मिक्स करेंगे और अब इसे हल्का हल्का चलाएंगे। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे ताकि गोभी, आलू और मटर सब बराबर पक जाए। इसमें हमने 1/2 टीस्पून हल्दी डाला है और चला देंगे। देखिए हल्दी डालने से सब्जी का कलर पूरी तरीके से बदल गया है। और अब हम इसे हल्का हल्का चलाएंगे। अब इसे कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि गोभी थोड़ी सी गल जाए। इसे चलाएंगे। गोभी अभी पकी नहीं है, थोड़ा सा और इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करके फिर से इसे हम कवर कर देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। इसे हल्का हल्का चलाएंगे और फिर कवर कर देंगे और तकरीबन 2 मिनट के बाद फिर चेक करेंगे। दो मिनट के बाद गोभी की रंगत बदल चुकी है। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। तो टमाटर आप स्वादानुसार ज़्यादा और कम कर सकते हैं। यहाँ हमने 1 टमाटर बारीक चॉप करके लिया है। इसे मिक्स करेंगे। हमारे यहाँ अशोक मसाला बहुत फेमस है, तो अशोक सब्जी मसाला का प्रयोग ही मैं गोभी की सब्जी के लिए करती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट होता है। अब इसमें मिक्स करके अब इसमें नमक डालूंगी। नमक पिंक सॉल्ट यूज किया मैंने, आप कोई भी नमक यूज़ कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इसलिए पिंक सॉल्ट का प्रयोग किया मैंने। इसे मिक्स करूँगी और मिक्स करके अब कवर करेंगे मात्र 1 मिनट के लिए। 1 मिनट में टमाटर पूरी तरीके से गल जाएगा और सब्जी हमारी रेडी हो जाएगी। तो देखिए सब्जी की रंगत एकदम बदल गई है और ये देखने में बहुत टेस्टी है। तो बस अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और कुछ देर के बाद इसे अब हम सर्व करेंगे। देखिए कितनी अच्छी नई सब्जी बनी हुई है। इसे हम सर्विंग बाउल में निकालेंगे और गार्निशिंग के लिए हम हरी धनिया की पत्ती का प्रयोग करेंगे।
इस सब्जी के साथ आप गर्मा गर्म पराठे खाइए, बहुत स्वादिष्ट लगता है। और देसी घी लगाकर रोटी भी खाइए, बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं खाने जा रही हूँ और आपसे शेयर करती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। मेरे यहाँ मेरे बच्चों को ये सब्जी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपसे ये रेसिपी शेयर करूँ। बस ओके। बहुत टेस्टी दोस्तों, इस रेसिपी को आप बनाइएगा ज़रूर और लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको ये कैसा लगा। बाय बाय।